हेलो चैंपियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकर एंड मेंटोर। तो फ्रेंड्स, अभी एक दो दिन पहले एक सब्सक्राइबर का जो है LIC AA का जो था वो इंटरव्यू था, तो उन्होंने जो है अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर किया था। तो मैंने सोचा क्यों ना आप सब लोगों के साथ भी शेयर कर दिया जाए, ताकि जिन लोगों का आगे आने वाले दिनों में LIC AA का जो है इंटरव्यू है, उनको एक आइडिया लग सके कि क्वेश्चन किस तरह के क्या क्या पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, इससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपसे जो है LIC AAO के इंटरव्यू में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले उनसे पूछा गया इंट्रोडक्शन के बारे में, मतलब इंट्रोडक्शन तो जनरली सब उसमें होता है, तो उनसे उनकी इंट्रोडक्शन ली गई। देन उनसे पूछा गया क्वेश्चन रिलेटेड टू फार्मिंग, मतलब फार्मिंग के बारे में उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए। देन उसके बाद उनसे पूछा गया उनकी क्वालिफिकेशन के बारे में, मतलब ये क्वेश्चन तो जनरली हर एक जो है इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आपकी क्वालिफिकेशन ये है तो आप ये ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने क्यों आ रहे हो, या फिर आपकी इस क्वालिफिकेशन से हमारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होगा। तो उनसे भी उनके ग्रेजुएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। देन उनसे पूछा गया कि अगर आप कोई सोशल वर्क करना चाहते हो मतलब गाँव में, तो आप क्या करना चाहोगे। तो ये एक तरह से आप बोल सकते हो कि एक खटके एक तरह से क्वेश्चन था कि सोशल वर्क जो है आप विलेज में क्या करना चाहते हो। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद उनसे जैसा कि मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस में बताया था कि जब भी आप कहीं इंटरव्यू देने जाएं, LIC AAO के इंटरव्यू के दौरान भी मैंने आपको बोला था कि आपको जो है करंट अफेयर जो करंट में चल रहा है उसके बारे में भी आपको कुछ पता होना चाहिए, नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब उनसे पूछा गया मोदी जी की जो अभी मीटिंग हुई थी एक दो दिन में, तो उनसे उनके उसके बारे में उनसे पूछा गया कि मोदी जी की जो मीटिंग हुई है उनके बारे में बताओ। देन उनसे फिर जो है अपना बजट जो आया था उसके बारे में उनसे पूछा गया। देन उनसे पूछा गया कि हॉबीज़, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि आपकी हॉबीज़ के बारे में भी आपसे जनरली क्वेश्चन होता है, तो उनसे फिर उनकी हॉबीज़ के बारे में पूछा गया। देन उनसे उनका जो लास्ट क्वेश्चन था, उनसे पूछा गया कि किसी एक इंस्पायरिंग लेडी के बारे में हमें बताइए। अब देखिए, वो फीमेल कैंडिडेट थी, तो हो सकता है कि उनसे इसलिए इंस्पायरिंग लेडी के बारे में पूछा गया। अगर कोई बॉय जो है वो इंटरव्यू देने जा रहा है, तो उससे हो सकता है कि उनसे पूछा जाए कि किसी इंस्पायरिंग मतलब जो है पर्सनैलिटी, मेल में जो पर्सनैलिटी है कोई, उसके बारे में बताइए। तो ये जो क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, ये उनसे जो है उनके LIC AAO के इंटरव्यू में पूछे गए। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब भी इंटरव्यू देने जाएँ, तो आपको जो है अपना करंट अफेयर्स के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, और आपका जो बैकग्राउंड है, क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड, आपकी हॉबीज़ वगैरह जो भी हैं, उसके बारे में भी आपको जो है अच्छी तरह से पता होना चाहिए। बाकी देखिए, जो क्वेश्चन होते हैं या इंटरव्यू कैसा होता है, वो आपको फिर इंटरव्यू में जाने के बाद ही पता चलता है। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।